मैं तेरे को अपनी मौत का पता से पूछ सकना और पर तू मेरे को सादगी का पता नहीं पूछ सकता। गिलास गोली मरना तो एक दिन ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे YouTube चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अज इकबाल हसन की बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं। जिस फिल्म के अंदर इकबाल हसन ने बतौर हीरो काम किया है और बड़ा ही अच्छा काम किया है। 24 अक्टूबर 1969 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म गबरू पुत पंजाब दे इसनों शादाब फिल्म ने रिलीज़ किया सी ते एदा टाइटल रोल इकबाल हसन ने अदा किया ते अपने दौर दी एक हिट फिल्म सी। इस फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा शानदार सी, इस फिल्म की कहानी भी बड़ी शानदार सी और पब्लिक इच बड़ा अच्छा इसने रिस्पांस दिता है। यह जड़ी फिल्म है 1914 जदू पहली आलमी जंग छिड़ी सी ते उस दे दौरान अंग्रेजा ने जबरी भर्ती की सी और जबरसी लोगों ने फौजी भर्ती कर रहे सन। उस मौजू बुला के इस फिल्म में बुलाया गया है ते इस फिल्म का जो टाइटल रोल है मैं पहले तो दस्या इकबाल हसन और हबीब ने अदा किया है और तुसी ये वेख्या होएगा कि हमेशा जो फिल्म बड़ी है हबीब ते नगमा की जोड़ी बनाई गई है लेकिन इस फिल्म के अंदर इकबाल हसन और नगमा की जोड़ी हबीब और रानी की जोड़ी बनाई गई है। और नाज़रीन इस फिल्म के अंदर मुनव्वर ज़रीफ और नगीला ने बड़ी ही शानदार कॉमेडी का मुजाहरा किया है और अपनी एक्टिंग तो यह साबित किया है कि रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ का कोई जोड़ नहीं। गबरू पुत पंजाब दे बड़ी अच्छी फिल्म है। यह फिल्म जो तुसी देखोगे तो मजा आएगा। थानेदार ना बनना है, ये फरंगी चलो थानेदार बनाते ने ओए उन्हें दे राज इतनी सैयदा जी पाक अस्ती नु ओए शहीद करा देंदे ने। और मेरी ये कोशिश होंदी है कि सुल्तान राज दी कोई भी फिल्म जिसके अंदर सुल्तान राज ने चाहे एक करैक्टर किया होए चाहे वो दे फिल्म ही पूरी फिल्म एक सीन होए मैं तुहाडे सामने लेके आवां। और नाज़रीन इस फिल्म के अंदर भी सुल्तान राज ने ब्रिटिश सिपाही दे रोल च बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। गो कि सुल्तान राज दा काम बहुत काम सी लेकिन सुल्तान राज आस्ता आस्ता जिहड़ा ना तुहानूं पता उस दे वरी सामने आ रहा सी और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही जानदार काम कर रहा सी। इस फिल्म दे दा कारण इकबाल हसन नहीं समझ आई ऊपर बूटिया नगमा नहीं कीती हुण ते ओहदे नाल गल्लां करांगे जिहड़ा हबीब सुल्तान राई हदायत अबैद कादरी फिल्म साज सी एम लतीफ मसन फजी कादरी ते म्यूजिक दिता है बाबा जी ए चिश्ती ने गुलकार नूर जहान नसीम बेगम अहमद रुश्ती मसूद राणा कैमरामैन नसीरुद्दीन। और नाज़रीन इस फिल्म के अंदर यह भी दसया गया कि अंग्रेजा का असूल होंदा सी कि डिवाइड करो तो हुकूमत करो यानी कि लोगों नू तकसीम करो तो हुकूमत करो। और इस फिल्म के अंदर यह भी दसया गया कि अंग्रेज पैसा लगा के मजहबी रहनुमाओं नू इस्तेमाल करते सन ताकि मुसलमाना हिंदुआ ते सिखा आपसी तफरका पा के आपसी लड़ा के उन्होंने गौरमेंट उन्होंने हुकूमत की जाए और इस वास्ते मजहब कार्ड इस्तेमाल करते सन। तुम खुशक में क्यों आ गई ये नहीं समझ आई ऊपर बूटिया एक गल की समझ आ गई अज प्रेमो ने गल नहीं की खिच पई है दिल। हबीब ने इस फिल्म के अंदर मुसलमान का जबकि इकबाल हसन ने एक सिख का रोल अदा किया और बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही कमालदार सिख। तुम पता है कि इकबाल हसन जिहड़ा सिख दा रोल वैसे ही बड़ा अच्छा करते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा शानदार है और नूरजहान के बड़े अच्छे गाने मसूद राणा के बड़े अच्छे गाने और इस तू अलावा अलाउद्दीन ने सैयद के रूप में यानी कि पीर साहब के रूप में बड़ी ही अच्छी एक्टिंग का मुजहरा किया है। नाज़रीन यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है तुसी जाके वेख सकते हो यह फिल्म कितनी शानदार है इसका म्यूजिक कितना शानदार है इसकी कहानी कितनी शानदार है। हबीब और इकबाल हसन ने बड़ा ही शानदार काम किया है। और नाज़रीन अगर तुम मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल लाइक करो सब्सक्राइब करो
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।